teachers and my fellow mates. I am Pushpa from Red House. My topic is mother. I know and everyone know what is mother, what is role of mother. Maa ऐसी चीज है जिसे हम लोग पूरी जिंदगी उनके बारे में जो भी सोचे या जो भी करे वो कम ही पड़ जाता है। माँ सुबह उठने से लेकर रात खत्म होने तक हमारी सेवा में लगी रहती है, घर के कामों में लगी रहती है। उनके पास अपना अपने लिए टाइम ही नहीं होता, ना अपने बारे में सोच पाती है। लेकिन हम हर बच्चे को और फैमिली के सब मेंबर को एक बार उस माँ के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। जब माँ हमारे लिए इतना कुछ करती है और जब हम लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, तब माँ के मेहनतों को और माँ के प्यार को हम लोग भूल जाते हैं। शादी हो जाने के बाद लड़के अक्सर अपने वाइफों की बात सुनते हैं और माँ के बातों को इग्नोर करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा मामला आ जाता है कि वो अपने माँ को विधवा आश्रम या फिर घर से निकाल देते हैं। लेकिन कभी भी लोगों को अपने माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। माँ ऐसी है जिसके लिए हम कितना भी कुछ कर ले वो कम ही पड़ जाता है, क्योंकि माँ हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम उनके लिए कुछ भी कर ले वो कम है, क्योंकि माँ अपने पेट में हम लोगों को 9 महीने रखती है, जो कि उसको शरीर में कितनी भी पेन हो जाए वो दवा नहीं खा सकती। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि एक हर एक वुमन बींग को ये समझना चाहिए कि माँ क्या है और माँ का इम्पोर्टेंस क्या है अपने लाइफ में। सो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ के फीलिंग्स को समझो। यहाँ तक कि मतलब सारा दिन जो भी काम करो, लेकिन थोड़ा वक्त अपने माँ के लिए निकालो, क्योंकि माँ सिर्फ हमारे बारे में सोचती है, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती। इसीलिए माँ के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि पापा बिजनेसमैन होते हैं, कहीं जॉब करते हैं या फिर घर से बाहर रहते हैं, तो वो मम्मी के लिए वो सब नहीं कर पाते। तो हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए कि माँ जैसे कि माँ के अंदर बहुत ऐसी हुनर होती है जो माँ बिजी हो जाने के कारण उस हुनर को नहीं दिखाती या फिर अपने हुनर को पब्लिश नहीं करना चाहती है। अगर हमें पता चले कि माँ के अंदर कुछ ऐसा हुनर है तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए कि वो अपने टैलेंट को हर जगह दिखा सके। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ लोगों को खाना बनाना भी अच्छा लगता है और माँ लोग खाना बनाते हैं। थैंक यू।